फाइनली भाई पहुंच गए हम अपनी गाड़ी के पास। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबको अनिज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गाड़ी का ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। तो अभी सब भाई पीछे देखो रेडी हो गए, बात कर रहे हैं, बस गाड़ी निकालनी है, जाना है। तो बयाना वगैरह जो भी होगा जैसा भी होगा देंगे, तो गाड़ी लेंगे तो जो भी चेकअप करवाना, क्योंकि गाड़ी ले रहे हैं तो मिस्त्री को चेक चुक करवाएंगे थोड़ी बहुत ही, बाकी शाम को या कल मॉर्निंग पेमेंट दे देंगे क्योंकि गाड़ी चेक करने में टाइम लग जाएगा। गाड़ी वॉश करवानी है, चेक करवानी है, जो भी उसके बाद देके फिर जो छोटा मोटा गाड़ी का काम है जैसे दो टायर डलवाने, जो भी काम होगा वो करवा के तो यहाँ से गाड़ी भरेंगे जल्दी जल्दी श्रीनगर के लिए। सीधी फ्लाइट हमारी श्रीनगर, वहाँ से वापस रिटर्न भरेंगे सेब बाहर का कहीं, फिर मतलब अनुजीत बैक, हम बड़े जल्दी आ गए, मतलब जल्दी नहीं आ गए, मतलब आ गए वापस अपने फील्ड में आगे पीछे भटक के। क्योंकि कुछ लोग भाई ऐसे थे जो हम घर पे थे बहुत खुश हो रहे थे कि अनुज डाउन में जा रहा है, बट नहीं यार, हमें अपने भगवान पे बहुत विश्वास है। मतलब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे साथ क्यों बुरा होगा भाई जी। सो निकलते हैं फिर जल्दी जल्दी से। तो भाई फाइनली घर से पूरा निकल आए और जिनसे गाड़ी लें उनसे मिला है, बस जा रहे हैं हम गाड़ी के पास सीधे ही, वहाँ से गाड़ी की चाबी लेंगे, जो उन ड्राइवर भाई का सामान है वो निकालेंगे अपना सामान, तो गाड़ी लेंगे नरवाल। तो आप अपने पास ही थोड़ा बहुत काम करवाएंगे, जल्दी भरेंगे। तो यहाँ पे आए थे गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने के लिए क्योंकि कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं, उससे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम हैं चट्ठई, हम निकल रहे हैं सीधा आगे। तो मुझे ये जगह बहुत सही लगती है, मतलब मंदिर भी मस्जिद भी, पर ये बिल्कुल शांत, और इनकी जो मतलब वो बानी गुरबानी बोलते हैं भाई, मतलब एक अलग ही धुन है भाई, सुनने का एक अलग ही मज़ा है, मतलब अच्छा फील होता है जैसा भी मूड हो। तो हम निकलते हैं जल्दी जल्दी से। फाइनली भाई पहुंच गए हम अपनी गाड़ी के पास, अभी आ रहे हैं भाई चाबी लेके, फिर यहाँ से गाड़ी को घुमा के ले चलते हैं एक बार फिर से। ये आ गई अपनी गाड़ी, कल तो चलो था कि ये है या नहीं, आज तो होगी भाई फुल फाइनल। देखो एक बार, अभी गाड़ी पूरी गंदी है, देखो मिट्टी मिट्टी है ना नीचे, देखो। तो अभी हम करवाएंगे इसको वॉश जाके, फिर इसकी एक नई लुक। तो फाइनली भाई आ गए वापस भाई के घर पे, पर जो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, मतलब पता नहीं भाई अपनी किस्मत भी थोड़ी ख़राब है, जैसा भी था गाड़ी गया, गाड़ी वजह से हमने देखा वहाँ पे, हमने देखी उसके बाद लास्ट फाइनल बात हो ही गई थी ऑलमोस्ट। मैं खुश, मैं अंदर भी गया, मैंने अंदर से फ़ोटोज़ खींची, अपना माइंड में सोच भी लिया ऐसा ऐसा गाड़ी को मॉडिफाई करेंगे, बट ये हो गया कि जो गाड़ी सर केस दे रहे थे ना, वो जैसे 19 लाख केस था, तो उस पर वो कह रहे नहीं हमको कैश ज़्यादा चाहिए, तो केस आपको हम इतना दे नहीं सकते। तो फिर भाई कुछ ऐसा हुआ, मतलब जैसे उन्होंने लोन का वो था कि उन्होंने नहीं देना, अब इतनी कैश तो है नहीं है भाई के पास भी यार, पता है अब इतना कैश लेके कौन चलता है, और प्राइवेट बैंक से इतना केस भी नहीं मिलता, क्योंकि अगर 29 लाख की गाड़ी मिल रही थी 28 लाख की, 10 लाख तो बंदा दे सकता है। अब जो प्राइवेट बैंक हैं होते हैं ना, वो सेकेंड हैंड गाड़ी पे आधा केस करते हैं, मतलब 29 का आधा लगा लो 15 लाख के समथिंग हमको कैश देनी थी, उसके बाद थोड़ा गाड़ी का काम भी था। फिर हमने बोला नहीं यार, मतलब अब देखना है। अब मैं तो कहते भाई को बोलता भाई ले लो यार, वो एक तो हमारे लिए गाड़ी ले रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, पर यार नहीं यार, जो गलत है वो तो गलत है ना। फिर हम आ गए वहाँ से वापस यहाँ पे, तो सो कोई ये नहीं है कि घर देखता हूँ, एक दो दिन घर जाऊँगा, क्योंकि उन जो गाड़ी दिलवा रहे थे उनको बोला कि और गाड़ियाँ हैं तो वो बताओ, वो कह रहे हैं एक दो दिन में गाड़ियाँ वो बता दूँ आपको, मैं एक आध बताई और वो भी हमको पसंद नहीं आई, वो 16 मॉडल थी, उसकी थोड़ी कंडीशन अच्छी नहीं है, गाड़ी तो लेनी है, मतलब ये है कि अब चलाएंगे तो वही अपने वाली ही चलाएंगे, संजीव भाई भी यहाँ पे ही हैं, मैं भी यहाँ पे ही हूँ, दिन अपने चाहे 2-4 और टूट जाएँ कोई टेंशन नहीं है, पर गाड़ी को अच्छी सी लेंगे, चलो जो होता है अच्छे के लिए। तो सुबह गुरुद्वारे मत्था टेके गए थे, शायद उस गाड़ी में कुछ हो जाके, मतलब कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, नेक्स्ट जल्दी जल्दी आएगा ब्लॉग्स। मैंने आज प्रॉमिस किया था गाड़ी पे ब्लॉग आएंगे, पर चलो कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कल देखते हैं शायद घर जाएंगे, घर जाने वाला ब्लॉग आएगा, जैसा भी आएगा डेली रूटीन बताएंगे, जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं वो तो भाई सपोर्ट करेंगे करेंगे, माना कुछ वीडियोस डाउन जा रही है भाई, टेंशन कोई नहीं, मुझे पता है मैं मेहनत करूँगा वापस सब अप हो जाएगा, पर चलो यार, पर जो खुश हो रहे थे मतलब जो चाहते थे गाड़ी ना मिले आज उनके लिए तो खुशी का दिन है, चलो कोई नहीं भैया बनाओ खुशी, भगवान सबकी सुनता है, टेंशन ही लेनी। तो जल्दी क्या बोल रहा था, हाँ तो बस देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, बाइक के घर से जब बाइक के घर रुकेंगे या कुछ करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, संजीव भाई भी शायद अपनी मासी के घर जाएंगे, जैसा भी होगा वैसा देखते हैं, अब निकलते हैं फिर यहाँ से। तो फाइनली भाई अभी बज रहे हैं रात के 11 और हमने खाना वगैरह सब खा लिया, सब ओके हो गया, संजीव भाई भी कर रहे हैं रेस्ट, तो बस मैंने सोचा जल्दी जल्दी सोएंगे, वीडियो एडिट करके
तो अभी हम कर रहे थे इंस्टाग्राम में कुछ भाइयों के रिप्लाई, बाकी ब्लॉग शूट करने के बाद करेंगे रिप्लाई। तो टेंशन नहीं लेनी भाई, हम भी हिम्मत नहीं आ रहे, आज नहीं गाड़ी मिली, शायद भगवान ने इससे अच्छी गाड़ी अपनी किस्मत में लिखी हो, क्योंकि अब है कि लेनी है, उसके बाद ही चलानी है। अब तो भाई फाइनल है कि लेनी है, पेमेंट अपने पास पड़ी है। देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में निकलेंगे घर के लिए, थोड़ा भी घर पे अपना काम काज चल रहा है, भाई वैसे भी अकेले घर में काम करें, उनकी थोड़ी हेल्प करवाएंगे, फिर जैसे ही गाड़ी के लिए कन्फर्म होगा तो वापस से आ जाएंगे जम्मू, जाके आपको आसपास अपने गांव में कुछ ना कुछ दिखाएंगे। तो बस देखते हैं यार, अब ब्लॉग तो थोड़ा छोटा हो गया, आई होप आप सपोर्ट करोगे, अगर पसंद आएगा तो भाई लाइक करो, मतलब मैं तो हर वीडियोज़ में कहता हूँ भाई अपना वोट जरूर दो, लाइक या डिसलाइक जरूर करो, मुझे पता चले कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, इतने डिसलाइक क्यों आ रहे हैं, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और बाकी तो उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि कुछ भाई बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे गाड़ी मिलने वाली, काफ़ी कमेंट्स आए कि भाई आपको मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन की गाड़ी मिल गई है। भाई यार मैं भी ये सोच गया था, मैं सुबह जब ब्लॉग में निकला आपने देखा हम कितने खुश थे, वीडियोस अलग तरीके से चल रही है, जब पता चला तो सो तो अपना मूड भी काफ़ी ऑफ हुआ, फिर भी अभी देखो थोड़ा मूड ऑफ ही था, आराम से बैठे थे यार, क्या करें, जाएंगे अब सुबह घर, तो भाई देख मिलते हैं क्या नदर ब्लॉग पे, तब तक के लिए भाई गुड नाइट, टेक केयर।